कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ईद मेकअप लुक। इस ईद मेकअप लुक में छोटा सा बर्न हो गया था, वो अब आगे जाके देख लेकर के क्या हुआ था। बस यार मैं बहुत अपसेट थी, वीडियो भी अपलोड नहीं करनी थी मैंने, लेकिन फिर ज़बरदस्ती करवाई गई है मुझसे ये वीडियो अपलोड, वरना मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी बनाती कोई अच्छी सी। मेकअप अच्छा हुआ था, बस आखिर में एक बर्न हुआ है छोटा सा, तो आप देख लीजिएगा एंड सॉरी उस बर्न के लिए। बाकी मेकअप आउट क्लास हुआ था, मैंने सोचा कि बता चलो एक छोटी सी मिस्टेक तो होती रहती है, ज़ाहिर है अब इतने कोई लेजेंडरी नहीं है हम लोग मेकअप में कि अब मिस्टेक भी ना हो। लेजेंड्स लोगों से भी हो जाती है कभी कभार, तो एनीवेज लेजेंड मतलब मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, ठीक है जी। तो आप आखिर में देख लीजिएगा बैंड वगैरह, और दूसरा ये कि उस बैंड को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो भंड लगा था वो ये था कि मेरी जो आई लैशेज थी वो मुझे लग नहीं रही थी, कि जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि एंड से ना वो उतरी नहीं लैशेज, तो वो लग नहीं रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत मतलब एक बार निकाली फिर दूसरी बार निकाल के लगाई, लेकिन फिर भी कोई भी मतलब आई लैशेज लगी ही नहीं, उनको लगना ही नहीं था इस दिन ना। तो मैंने खैर वीडियो अपलोड भी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी खाला के कहने पर मम्मा के कहने पर कि नहीं मेकअप अच्छा हुआ है तुम अपलोड कर दो, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी सी गलती आप लोग इग्नोर कर दोगे, एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच जो जो न्यू कमेंट्स हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल न्यू सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे, आप ही लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।